अब क्षेत्र की खबरें अब आपको दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या में जहरीली शराब से दो लोगों की मौत के मामले में एसएसपी ने चार पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। थाना गोसाईगंज में जहरीली शराब पीने से दो लोगों की मौत हुई। बाराबंकी में अवैध असलाहों की फैक्ट्री का खुलासा करते हुए पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से दर्जनों हथियार बरामद किए गए। पुलिस का कहना है कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर हथियार तैयार किए जा रहे थे। अमेठी में रेप और पॉक्सो एक्ट में फरार चल रहे अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। अभियुक्त पर पॉक्सो एक्ट की धारा 376 और 323 के तहत केस दर्ज है। सुल्तानपुर में चुनावी रंजिश में मारपीट के बाद इलाज के दौरान अस्पताल में एक शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर हंगामा करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की। फतेहपुर में पुरानी रंजिश में लाठी डंडे और अवैध हथियार से लैस बेखौफ दबंगों ने दूसरे पक्ष के घर पर हमला बोल दिया। दबंगों ने परिवार के कई लोगों को बेरहमी से पीटा और कई राउंड हवाई फायरिंग भी की। कौशाम्बी में एक शख्स ने अपने ससुराल में फांसी लगाकर जान दे दी। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। हरदोई में 25,000 के इनामी शराब माफिया और पूर्व ब्लॉक प्रमुख को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शराब माफिया पर हत्या, चोरी, एनडीपीएस गैंगस्टर एक्ट के 14 से अधिक केस दर्ज हैं। और आइए में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस कप्तान ने दल बल के साथ सड़क पर पैदल फ्लैग मार्च निकाला, साथ ही लोगों से मास्क पहनने की अपील की। और चलिए सुपरफास्ट खबरों के बाद अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। रुक करते हैं अगली खबर का जो कि कानपुर से हमें मिल रही है। गंगा मेले पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता में ऊंचाई से गिरने से एक युवक की मौत हो गई। रस्सी कमजोर होने के कारण यह हादसा हो गया। मुकेश नाम के एक युवक की मौत हो गई है। तो ये दर्दनाक हादसा कानपुर में हुआ है। मटकी फोड़ प्रतियोगिता में ऊंचाई से गिरने पर एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रस्सी कमजोर थी, जिसके कारण ऊंचाई से ये युवक नीचे आ गिरा, रस्सी संभाल नहीं पाई, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। तो मटकी फोड़ का आयोजन किया गया, गीत संगीत का कार्यक्रम वहां चल रहा था। हंसी खुशी सभी लोग त्योहार की तरह खुशियां मना रहे थे, लेकिन इसी में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ जब ऊंचाई से एक युवक नीचे आ गिरा। रस्सी कमजोर होने के कारण उसे संभाल नहीं पाई और नीचे गिरते ही उसकी मौत हो गई। पूरे परिवार में, पूरे इलाके में मातम पसर गया, खुशी गम में तब्दील हो गई। एटा में 58 साल के शख्स की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। मृतक सुबह में बताया जा रहा कि अपने घर से गायब था और परिजनों की ढूंढने पर रात को शव मिला। हत्या से आसपास के इलाके में हड़कंप मचा हुआ। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स घटनास्थल पर पहुंच रही। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। 58 साल के शख्स की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। अब पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची है, जांच कर रही है। हत्या करने वाले कौन थे, हत्यारे कौन थे, पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं। एटा की खबर। बड़ी खबर कानपुर देहात से। जिला जेल में फंदे से लटका मिला है एक युवक का शव। एक महीने के अंदर जिला जेल में यह दूसरी घटना है। छेड़छाड़ और युवती को भगा ले जाने के मामले में यह युवक बंद था। जेल प्रशासन ने शव को उतरवाकर आनन फानन में उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पहली घटना पर जेल अधीक्षक समेत कर्मचारियों पर हत्या का मामला दर्ज है। जेल अधिकारियों और कर्मचारियों पर परिजनों की अनुमति के बिना रात में ही शव का पोस्टमार्टम करा देने का भी आरोप है। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के माती जिला जेल का यह मामला है। एक महीने के अंदर जिला जेल में यह दूसरी घटना है। युवक का शव फंदे से लटका हुआ मिला। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा दो दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंचे और उन्होंने होली मिलन समारोह में हिस्सा लिया, भाग लिया। लोगों से कोविड-19 के नियमों को लेकर भी सतर्कता बरतने और दो गज की दूरी का पालन करने, मास्क पहनने की अपील उन्होंने की। मथुरा के दौरे पर, दो दिवसीय दौरे पर ऊर्जा मंत्री होली मिलन समारोह में उन्होंने भाग लिया और लोगों से अपील की कि वो कोविड नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।
उधर गोरखपुर के औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बिस्किट नमकीन बनाने वाली एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से काम कर रहे दो मजदूरों की जान चली गई और हादसा उस वक्त हुआ जब शाम 5 बजे के करीब बॉयलर में स्टीम ज्यादा बन गई और ब्लास्ट हो गया। धमाका इतनी तेज था कि आसपास की दीवार और फैक्ट्री के दो बड़े हॉल ऊपर लगी सीमेंट की शेड की छत तक टूट गई। धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी जिससे इलाके के लोग भी दहशत में आ गए। गनीमत रही कि हादसे के वक्त दूसरे बड़े हॉल में काम कर रहे 40 मजदूर बाल बाल बच गए लेकिन दो मजदूरों की झुलसने से जान चली गई। हादसे में फैक्ट्री को भी नुकसान पहुंचा है। धमाका इतना तेज था कि बताया जा रहा है कई किलोमीटर दूर तक लोगों ने इसकी आवाज सुनी। हादसे की वजह से काम कर रहे दो मजदूरों की मौत हो गई। स्टीम ज्यादा बन गई, कंप्रेशन हुआ और बॉयलर फट गया। पास के ही हॉल में 40 मजदूर काम कर रहे थे, वो उसके जद में आने से बच गए लेकिन उसके ठीक करीब जो दो मजदूर काम कर रहे थे उनकी जान चली गई। और अब आगे बढ़ते हैं और बुंदेलखंड की हर छोटी बड़ी खबर सुपर फास्ट अंदाज में आपको दिखाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। महोबा में रसूख दिखाने के लिए शराबी दबंग ने लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर दी। इस दौरान अंतिम संस्कार के लिए शमशान जा रहे 3 लोग छर्रे लगने से घायल हो गए जिसके बाद लोगों ने आरोपी दबंग की जमकर पिटाई कर दी। माता में बीते 16 मार्च को एक व्यापारी के घर से 1 करोड़ की चोरी हुई थी और पुलिस ने इस मामले में खुलासा करते हुए घर के नौकर को गिरफ्तार किया। एसओजी की टीम ने चोरी के जेवरात बरामद किए। हमीरपुर में दबंगों ने 2 युवकों की सरेआम पिटाई कर दी। इसके बाद दबंग दोनों युवकों को गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले गए। पूरी घटना का वीडियो वायरल होने के बावजूद पुलिस ने मामले में संज्ञान नहीं लिया है। झांसी के सिटी कोतवाली इलाके के रहने वाले गैंगस्टर की संपत्ति जब्त की गई है। गैंगस्टर फिलहाल जेल में बंद है और पुलिस की कार्रवाई जारी है। चित्रकूट में 31 मार्च को यूपीएसटीएफ की डकैतों से मुठभेड़ का मामला विवादों में आ गया है। बुधवार को यूपीएसटीएफ ने गौरी गैंग के सक्रिय सदस्य को मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया लेकिन आज एक वकील ने इस पर सवाल खड़े किए। बुंदेलखंड सुपरफास्ट के बाद अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आजमगढ़ से। आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना इलाके के वासुदेवपुर में सिवान में बिजली के तारों से गिरी हुई चिंगारी के चलते किसानों की गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। गांव के सिवान में स्थित हाई टेंशन विद्युत तारों का आपस में संपर्क हो जाने की वजह से स्पार्किंग हुई। उसके बाद नीचे खेत थे और खड़ी फसल जलकर राख हो गई और इसकी जानकारी होने पर आसपास के गाँव के लोग जुटे जिन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिश की लेकिन आप देखिए कि कितना बड़ा हिस्सा जल रहा है तस्वीरों में। आजमगढ़ की तस्वीरें हैं और आप देखेंगे तस्वीरों में कि ऊपर हाई टेंशन लाइन है और नीचे खेत और चिंगारी पार्किंग की वजह से निकली और खड़ी फसल जल गई। और अब पश्चिमी यूपी की खबरें सुपरफास्ट में। चलिए शुरुआत करते हैं। बागपत ब्लॉक में बूथ बदलवाने के मामले में तूल पकड़ लिया है। ग्राम पंचायत सचिवों ने सीडीओ कार्यालय पर इसको लेकर धरना दिया। एसडीएम पर अभद्र व्यवहार के आरोप लगाए। ग्रेटर नोएडा में हाईवे पर लग्जरी कार से वोटरों को लुभाने के लिए शराब की तस्करी की जाती है। पुलिस ने कार से 2 लाख की अंग्रेजी शराब बरामद की है। हालांकि इस दौरान किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। गाजियाबाद में पुलिस ने ऑनलाइन ठगी का धंधा करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया जो ऑनलाइन सट्टे का कारोबार करते थे। पुलिस ने सरकारी गैर सरकारी दस्तावेज 10 मोबाइल 3 लैपटॉप और अन्य उपकरण बरामद किए। मेरठ के सरथना इलाके में किशोरी के साथ गांव के 4 युवकों ने मिलकर गैंगरेप किया जिसके बाद किशोरी ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। छात्रा की कमरे से सुसाइड नोट भी बरामद। एटा पुलिस ने आगामी पंचायत चुनावों में प्रयोग करने के लिए बनाए जा रहे तमंचों की फैक्ट्री पर छापा मारकर मौके से 3 आरोपियों को अवैध तमंचे बनाते हुए गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से 3 बने हुए तमंचे बड़ी संख्या में तमंचे बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। बदेपाटी में एक युवक ने हॉल में अवैध तमंचे से फायरिंग की। वीडियो सोशल साइट्स पर वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मथुरा में हिंदू अखिल भारत
हिंदू महासभा ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शाही ईदगाह मस्जिद में मौजूद मंदिर के सबूतों से छेड़छाड़ को रोकने की मांग की गई। गांव में पोलिंग बूथ न होने की वजह से नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें वोट डालने के लिए दूसरे गांव जाना होता है। ग्रामीणों ने बूथ नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाया। संभल में तेज रफ्तार बाइक बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें बाइक सवार पूरी तरह से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उसकी मौत हो गई। बिजनौर में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। डीएम और एसपी ने मिलकर अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का जायजा लिया। आपको बता दें कि जिले को 22 जोन और 152 सेक्टर में बांटा गया। उत्तराखंड में कोरोना के केसेस लगातार बढ़े, मामले लगातार सामने आ रहे। बीते 24 घंटे में उत्तराखंड में 364 नए केसेस सामने आए, जिससे सरकार की चिंताएं बढ़ गई। कोरोना की वजह से बीते 24 घंटे में 2 लोगों की मौत भी हुई है। तीरथ सिंह रावत की सरकार कोरोना के मामलों को रोकने के लिए लॉकडाउन पर विचार करेगी। सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने लॉकडाउन पर पुनर्विचार की बात कही है। वहीं महाकुंभ का तीसरा दिन है आज, लेकिन कोरोना के मामलों ने महाकुंभ का रंग फीका कर दिया है। सरकार की तमाम तैयारी के बावजूद तीसरे दिन श्रद्धालुओं की संख्या में बड़ी कमी देखने को मिली। माना जा रहा है कि सीमा पर जो कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट की जांच हो रही है, उसकी वजह से दूसरे राज्य से हरिद्वार पहुंचने से लोग परहेज कर रहे हैं। बात हरिद्वार जिले की हम कर रहे हैं, तो बीते 24 घंटे में कोरोना के 118 नए मामले सामने आए। और इस पर चर्चा के लिए हमारे संवाददाता पंकज राणा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं हरिद्वार से। पंकज, जिस तरह से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, एक तरफ लॉकडाउन पर विचार हो रहा है, दूसरी तरफ महाकुंभ चल रहा है और सीएम तीरथ कह चुके हैं कि हम ज्यादा सख्ती नहीं करेंगे, कैसे मैनेज होगा ये बढ़ता कोरोना का मामला? निश्चित तौर पर रास्ता देखिए, कुंभ को लेकर जिस तरह से पहले ये बात हुई थी कि किसी भी तरह की रोकटोक नहीं होगी, लेकिन जैसे ही कोरोना के मामले बढ़े तो अब सीमाओं पर काफी सख्ती बढ़ती जा रही है। और खासकर जो रेलवे स्टेशन है वहां पर भी लोगों को रोककर उनकी रैंडम चेकिंग और तमाम जो चीजें हैं वो की जा रही है। लोग थोड़ा परेशान है क्योंकि उनको काफी लंबे समय से जो लोग ये बना के विचार बना के बैठे थे, उन्हें कुंभ में स्नान करने जाना है, तो वो लोग अब काफी चिंतित भी है। और यही वजह है कि इस बार संख्या बहुत कम है। जो यहाँ के पुराने तीर्थ पुरोहित हैं उनका कहना है कि जो 2010 का कुंभ था उसमें भारी संख्या में इस समय श्रद्धालु हरिद्वार में होते थे, होटल से लेकर तमाम जो धर्मशाला है वो फुल होती थी, लेकिन अभी हरिद्वार में इस तरह कुछ नजर नहीं आ रहा है। इसकी वजह पूरी तरह से कोरोना ही है, क्योंकि कोरोना के लगातार केस बढ़ रहे हैं, उत्तराखंड में भी बढ़ रहे हैं और देहरादून में, इसके साथ साथ हरिद्वार में कल 118 मामले आए थे, तो निश्चित तौर पर ये चिंता की विषय है। लेकिन कुंभ का रंग पूरी तरह से फीका हो गया है, हर की पौड़ी पर जो नजर भीड़ आ रही थी वो नजर नहीं आ रही है। कल अगर बात करें तो यहाँ पर तकरीबन बॉर्डर्स पर काफी चेकिंग है, सीमाओं पर काफी हद तक टेस्टिंग और चेकिंग की जा रही है, और उत्तराखंड के अंदर जिसको आना है उसको आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाना भी जरूरी है, क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया पंकज, आप नजर बनाए रखिए। अगली खबर का रुख करेंगे। रुड़की के नारसन में सरकारी अस्पताल में मरीज बेहाल है, डॉक्टर मनमाने तरीके से ड्यूटी पर आते हैं, डॉक्टर्स के पास बहाने हैं कि उनकी ड्यूटी कोविड में लगी है। दफ्तर पर ताला लगा है और मरीज डॉक्टरों के इंतजार में घड़ी देख रहे हैं। रुड़की के नारसन स्थित सरकारी अस्पताल में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की कलई खुल गई है। सुबह होते ही मरीज अस्पताल पहुंच जाते हैं, मगर डॉक्टर साहब को इससे लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें सारी परेशानी है, समाधान तो यहाँ है ही नहीं। जो दवाई लिखा वो सब बाजार से मिले, यहाँ उपलब्ध है नहीं कोई दवाई। 11 बजे पहले यहाँ कोई आता नहीं। ड्यूटी पर हर दिन देर से आना तो जैसे डॉक्टर साहब का संवैधानिक अधिकार बन गया है। दफ्तरों पर ताला लगा हुआ है, मरीज इंतजार में बैठे हैं। एबीपी गंगा ये तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर रहा था, तभी एक डॉक्टर आते हैं और दफ्तर का ताला खोलने लगते हैं। डॉक्टर साहब को लगा कि उनकी पोल खुल गई है, तो वे कैमरे को बंद करने की गुजारिश करते हैं, मगर हमें तो सिर्फ सच्चाई दिखानी थी। डॉक्टरों से जब इस बारे में सवाल किया गया तो कुंभ में ड्यूटी का हवाला देने लगे। हम लोग की ड्यूटी समय ऐसी हो गई कि रात में 2 बजे 3 बजे हम लोग कभी बॉर्डर पे घूम रहे हैं, कभी हरिद्वार घूम रहे हैं, तो उसमें अगर आप थोड़ा सा मानवता से सोचेंगे तो सुबह ये हो सकता है कि अगर 8 बजे का अस्पताल है तो 9 बजे खुल रहा है, ये हो सकता है। तो इतना कंसिडरेशन गवर्नमेंट भी देती है कि अगर आप रात में 2-3 बजे तक घूम रहे हो, ड्यूटी कर रहे हो और सुबह आधा पौने घंटे लेट भी अगर हो रहे हो, तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मरीजों का तो यहाँ तक आरोप है
कि डॉक्टर साहब ज्यादातर दवाइयां बाहर से लिखते हैं। सरकारी अस्पतालों में ज्यादातर वही लोग आते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। ऐसे में वो बाहर से महंगी दवाइयां कहां से खरीदें? एबीपी गंगा के लिए रुड़की से विनीत त्यागी की रिपोर्ट।